बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देते हैं गोचरा से, जहाँ पर गोचरा में मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार N105 राना हवाई मंजूर ने खिताब किया, कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती की गई है जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फौरी तौर पर सफीर को मुल्क बदर किया जाए। तफसीलात से आगाह करने के लिए रिपोर्ट देखते हैं चौधरी नवीद गुजर की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। तौहीदे हस्ती हम है वाहद खुदा हमारा, ज़ालिमों और काफिरों के लिए काफी है ये पैगाम हमारा। अजीज हमवतनों, कुरान की हुर्मत पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी, ये मामला हमारे लिए नया नहीं है। आलम कुफर पलट पलट कर उम्मत मुसलमा पर, उनकी इज्जतों पर, उनकी असमतों पर, उनके कुरान पर, उनके नबी की शान पर हमले कर रही है। हमने हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया है, लेकिन हुकुम हमारे कलब पर, हमारे कलेजे पर वार कर रहे हो। हम उस कुरान को मानने वाले हैं जो कहते हैं सुनो खैर, लेकिन अगर तुमने सुलह को ना समझा, सुलह को अपमान किया, हमारे कलब पर वार किया, हमारे कुरान की तोहीन की, हमारे नबी की तोहीन की, तो अल्लाह की कसम वो कुरान भी हमारे सीनों में महफूज है। वो कुरान कहता है वकातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकूनुद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह। हम पूरी दुनिया को, UNO को, OIC को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को और उम्मत मुसलमा के हुक्मरानों को ये बात बता देना चाहते हैं कि इनको नकेल डालो, इस पर कानून ले आओ। कल को अगर हमने कानून को हाथ में लिया तो ये जिम्मेदारी तुम पर होगी, हम पर नहीं होगी। ये आज तक 57 मुल्क हैं और पाकिस्तान को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं। तुमने ये हमेशा हुक्मरानी की है, तुम कहते हो कि मुल्ला इकदार में ना आए। ओ खबीसो, ओ तुम हुर्मत कुरान पर, हुर्मत रसूल पर कानून नहीं पास करवा सके। तुम्हें सोचना है, तुमने भी अल्लाह को जवाब देना है। वो सभी दावा करते हैं कि हमने हौज़े कौसर से पानी पीना है, हम आशिक़े रसूल हैं, हम इस्लाम के अलम बरदार हैं। अपनी करतूतें देखो, अल्लाह की कसम ये कुर्सियाँ, ये इज्जतें, ये आने जाने वाली हैं। अगर ये इज्जत, ये कुर्सी नमूसे रसालत पर, नमूसे कुरान पर कुर्बान हो जाए, हमारी जानें कुर्बान हो जाए, तो इनकी कोई अहमियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। फिल्म भी जमीत में इस्लाम और सुनी राबता काउंसिल की जानिब से स्वीडन में होने वाले कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ एहतजाज किया गया। मजहबी तंजीमों ने अपने दफ्तरों से अलग अलग एहतजाजी रैलियां निकाली। रैलियां मुख्तलिफ रास्तों से स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए प्रेस क्लब पहुंची, जहां कसीर तादाद में कारकुनान समेत शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद अब्दुल बासित शाह, मीर हसन मौलवी, मामुद्दीन ताज, मोहम्मद भट्टी और दीगर ने कहा कि काफिर कुव्वतों ने हमेशा मुसलमानों का दिल दुखाया है, कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं तो कभी कुरान पाक की बेहरमती करके काफिर कुव्वतें एक सोची समझी साजिश करके इस्लाम के खिलाफ नफरत आम करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन इस्लाम कयामत तक कायम रहेगा। इन्होंने कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो अंग्रेजों की इस गुस्ताखी का भरपूर जवाब दें और स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करें। आम खबर आपको दे रहे हैं सादिकाबाद से, जहाँ पर जिक्रिया गार्डन के करीब आवारा कुत्ता बड़े हादसे का सबब बन गया। बंसार रोड जिक्रिया गार्डन के करीब आवारा कुत्ता बड़े हादसे का सबब बन गया। कार सवार आवारा कुत्ते को बचाते हुए स्कूल के रिक्शा से टकरा गया, जिसके नतीजे में 4 स्टूडेंट्स शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गई, जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हादसे की फुटेज NAN24 ने हासिल कर ली, जिसमे वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है की कार सवार कुत्ते को बचाते हुए रिक्शा से जा टकराया और आवारा कुत्तों के काटने समेत 6 आवारा कुत्ते कई हादसे का सबब भी बने, लेकिन इंतजाम इन आवारा कुत्तों को तल्ख करने में बुरी तरह नाकाम हो गए।
बुलेटिन में बात कर लेते हैं खुशाब की। तो खुशाब में भी सुनी तहरीक की जानिब से स्वीडन में होने वाले कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सुनी तहरीक के ज़िला सदर मुफ्ती अहमद रज़ा कादरी की क़यादत में स्वीडन में होने वाले नापाक तिजारत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया गया। दौरान खिताब मुफ्ती अहमद रज़ा कादरी ने कहा कि काफिर क़ुव्वतें एक सोची समझी साजिश के तहत इस्लाम के खिलाफ नफरत आम करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम क़यामत तक कायम रहेगा। आज भी हम स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हम हुकूमतें वक्त से मुतालबा करते हैं कि वो अंग्रेजों की इस गुस्ताखी का भरपूर जवाब दें और स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें। आपको बताएं कि सोने की फी तोला कीमत ने 2 लाख रुपए का हिस्सा उबूर करके नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। सोने की कीमत में 3 दिन में 13,200 रुपए का इजाफा हुआ। सोने की फी तोला कीमत 2,02,500 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत भी 1,73,610 रुपए हो गई। चांदी की फी तोला और 10 ग्राम कीमत में बलतरतीब 50 रुपए और 42 रुपए 86 पैसे का इजाफा हुआ। फी तोला चांदी 2,200 रुपए जबकि 10 ग्राम चांदी 1,886 रुपए 14 पैसे की हो गई। मजीद आपको खबर दे रहे हैं खुशाब से। तो खुशाब में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खुशाब में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे की खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडी महदूद मकदार में आटा फराहम किया जाता है, जबकि ग्राहकों की तादाद हजारों में है। महदूद मकदार में खुशाब में आटे के पैकेट आने की वजह से कसीर तादाद में शहरियों को खाली हाथ वापस लौट जाना पड़ता है। इधर ओपन मार्केट में इस वक्त फीमन आटे की कीमत 4,800 रुपए फीमन तक पहुँच चुकी है, जिसके बायस आटा गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बहुत दूर हो चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि खुशाब में सब्सिडी पर वफर मकदार में आटा फराहम किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। और आखिर में आपको खबर देते चलें खुशाब से। तो चौकसी रिजवान मुख्तार रंधावा के बड़े भाई का रस्म चहला मुनाकिद हुआ। साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब अफसान मुस्लिम लीग काफ के ज़िला सदर चौधरी रिजवान मुख्तार रंधावा के बड़े भाई की रस्म चहलम जो कि फार्म हाउस 8/47 MB जोहराबाद में हुआ। पार्टी कारकुनान में राजा यास्मीन सियासी समाज रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सोशल वर्कर डिस्ट्रिक्ट खुशाब साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल मलिक अमीर हैदर संघारवान मुस्लिम लीग नून रहनुमा शहरियत चौक अब्दुल मनान से सत्यान रजा शराज एडवोकेट मलिक अनवर एडवोकेट और पार्टी के कारकुनान समेत इलाके के मजहबी और सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इतना ही मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 News HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर उनके साथ।